बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। बिहार में बिजली दर का स्लैब अब खत्म होगा। आने वाले दिनों में घरेलू व गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्लैब होगा, यानी चाहे जितनी भी बिजली का उपभोग करें, बिजली एक समान ही होगी। आपको बता दें कि अभी कंपनी अलग अलग स्लैब के आधार पर बिजली बिल की वसूली करती है। एक समय 5 दर्जन से अधिक स्लैब बने थे। राज्य में पहले 4 से अधिक स्लैब हुआ करते थे। 1 से 100 यूनिट, 101 से 200, 201 से 300 और 301 यूनिट से अधिक का स्लैब था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इन स्लैबों को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि कंपनी ने साल दर साल इसमें कटौती की और अभी सभी श्रेणियों को मिलाकर के बमुश्किल 2 दर्जन स्लैब ही हैं। घरेलू उपभोक्ताओं में देखें तो ग्रामीण इलाकों में 2 स्लैब हैं। पहला स्लैब 1 से 50, दूसरा 50 यूनिट से ज्यादा का है, जबकि शहरी क्षेत्र में भी मात्र 2 ही स्लैब हैं। बता दें कि शहरी क्षेत्र में पहला स्लैब 1 से 100 यूनिट तो दूसरा स्लैब 100 यूनिट से अधिक है। इसमें कम करते हुए मात्र 1 ही स्लैब करने की तैयारी भी चल रही। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार 1 स्लैब करने से पहले बिहार विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कंपनी की ओर से हर साल 15 नवंबर से पहले याचिका दायर की जाती है, जिसमें बिजली दर में वृद्धि सहित अन्य प्रस्ताव भेजे जाते हैं। बता दें आपको कि इस साल नवंबर में दायर होने वाली याचिका में 1 स्लैब का प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। अगर आयोग की अनुमति मिल गई तो अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर में 1 स्लैब के अनुसार ही लोगों को बिजली बिल देने होंगे। अब यहाँ पर जानते हैं कि इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 1 स्लैब होने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होने वाला। मसलन ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 50 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 2.60 रुपए प्रति यूनिट, तो इससे अधिक खपत करने पर 3 रुपए प्रति यूनिट के अनुसार बिजली बिल देना पड़ेगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच खपत करने पर 4.27 रुपए प्रति यूनिट, तो 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर 4.36 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक समान बिजली दर में अधिकतम बिजली दर से कम राशि उपभोक्ताओं से ली जाएगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली खपत करने में कम पैसे देने होंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद कई आवश्यक संशोधन हुए हैं, जिसका लाभ अब उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। डू यू वॉन्ट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 9304755035 और 9304755037। एनिमेशन अकेडमी, एन इनिशिएटिव ऑफ फर्स्ट बिहार झारखंड।